जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर गाइस आपका न्यू स्टूडेंट का रेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ये भी बता दूँ कि अभी आपका SC ST कैटेगरी का ही हुआ है, जो आपकी अन्य कैटेगरी बचती है इनके भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके लिए भी अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना करके पूरा प्रोसेस बता दूंगा। अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो गाइज आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी आ जाएगी। इंग्लिश में भी आप जानकारी पढ़ सकते हैं और हिंदी के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि दी गई है, इसमें कौन कौन से कोर्स के अकॉर्डिंग कितनी राशि आपको मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है आपको पढ़ने वाली है, क्या आपको यहां पर जरूरी चाहिए अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप लोग 30 सितंबर 2023 तक ये अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी गाइस जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो कैटेगरी है SC ST इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जो BC EBC है इनके भी जल्दी हो जाएंगे, जिसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी SC ST पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर एकेडमिक ईयर 2022-2023 कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024, यानी कि जिन्होंने 2022-2023 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया था वो अपनी उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके 2023-2024 सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एंड यहाँ पर कहा कि न्यू स्टूडेंट प्लीज रजिस्टर, जो न्यू स्टूडेंट है वो यहाँ पर अभी रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए उनको क्या करना है। तो गाइज आप यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर SC ST 2023-2024 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर गाइडलाइन आएंगी, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आवेदक का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कीजिए कि हाँ मेरे पास ये सभी जानकारी है, एंड देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड फिर यहाँ से आप एक बार ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल आ चुकी है। अभी गाइज अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आप देख रहे हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ज़्यादा कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है, एंड ये मोटिवेशन मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए यार एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसी के साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये स्कॉलरशिप आपको मिल नहीं जाती तब तक मैं इसके बारे में आपको वीडियोज़ के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ आपकी स्कॉलरशिप की शुरुआत है। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपको आगे की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर गाइज नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। मैं डेमो के लिए आपको भर करके दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर दीजिए। देन गाइज जो आपकी माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर देनी है। आप खुद से कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर खुद से भी भर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से भर दीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी SC ST, जैसे कि मैंने कहा कि अभी SC ST के लिए शुरू हुई है, तो इनमें से जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की आप स्थायी निवासी है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इंस्टीट्यूट स्टेट, आप कौन सी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, चाहे वो बिहार है चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश, बेसिकली कुछ भी हो सकती है, वो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ही भरना है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी उस स्टेट के, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं इंस्टीट्यूट नेम, आपकी कौन सी इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो बेसिकली आपको मिल ही जाएगा, आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है ईमेल वेरिफिकेशन। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, गेट OTP ईमेल आईडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहीं पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे।
अभी गाइज ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आएगा जो कि है आधार वेरिफिकेशन। अब आप यहां पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, फिर आपको ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार यानी कि आधार कार्ड के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो बेसिकली आपको बताना है। आपको यहां पर पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहां पर ईयर लिखना है। तो जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर इस तरह से लिखेंगे, फिर आपके आधार कार्ड के अंदर आपका नाम क्या है वो एग्जैक्ट नाम आप यहां पर लिखेंगे एंड देन वेरीफाई आधार नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका आधार वेरीफाइड हो चुका है। अगर आपकी सभी जानकारी सही होगी यानी कि आधार नंबर, आपका ईयर ऑफ बर्थ और आपका नाम, तो यहां पर ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड यानी कि, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहां पर आती है आवासीय प्रमाण पत्र विवरण यानी कि रेसिडेंटल प्रूफ डिटेल। तो यहां पर आपको पूछा इश्यूड बाय, तो यहां पर एक ही ऑप्शन है आरओ यानी कि इसी के द्वारा इश्यू होना चाहिए, तो आप यहां पर आरओ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है इश्यू टू, ये जो कि आपको किया गया सेल्फ, और ये आप सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर। तो गाइज आपको सर्टिफिकेट के ऊपर आपको इस तरह से नंबर देखने को मिलेगा। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे पास जो डेमो है रेसिडेंट प्रूफ का, उसका ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जारी किया गया रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है। इसमें आपको प्रमाण पत्र संख्या मिलती है जैसे कि BRC CO 2021 और इसके बाद में स्लैश, फिर जो ये 2021 के बाद में स्लैश के बाद में नंबर्स है, ये नंबर्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2020-2021 यानी किस ईयर के अंदर बना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद के जो नंबर है जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यानी कि जो आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, तो इसको भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देख लेना है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही एक डेट मिलेगी नीचे की तरफ, वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये डेट एंटर आप यहाँ पर कर लेंगे या फिर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका आयु प्रमाण पत्र विवरण, तो सेम वे में आपको यहाँ पर आरओ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर बताना कि किसको इशू हुआ है, फादर या फिर मदर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में सेम वे में बताइए कि 2022 या फिर 2023, और फिर जो उसका नंबर है वो आप यहाँ पर दे देंगे। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भी आपको इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपको बताना है कि वार्षिक आय एनुअल इनकम अमाउंट, तो आपका एनुअल इनकम अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता जाति प्रमाण पत्र, तो आप इसको आरओ को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सेल्फ, इसके बाद में जो आपका किस ईयर के अंदर ये जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर उसका नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे, और कब ये इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी हो सभी आपके सामने, आप सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आते डॉक्यूमेंट की जानकारी, तो अपलोड रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। तो इसको अपलोड करने के लिए यहां पर आपको पीडीएफ का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपका इमेज के अंदर ये फाइल है तो आप गूगल के अंदर आइए और आपको इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर इमेज टू पीडीएफ सर्च करता हूँ, तो ये जो आपके सामने पहली वाली वेबसाइट आएगी आई लव पीडीएफ, ये आपको ओपन करनी है। फिर आप सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो मेरे पास कुछ इमेज है जैसे कि मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये फाइल आपकी जो है वो पीडीएफ के अंदर आ जाएगी। एंड देन फिर आप यहाँ पर उस फाइल को चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए फाइल सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ये फाइल सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। इसके बाद आप सेम वे में जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। एनी सभी अपलोड करने के बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर बोला जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव बीन सक्सेस, और साथ ही कहा कि योर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट, प्लीज वेट फॉर डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपकी डिटेल्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आफ्टर डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन यू विल बी गिवन यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल, यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। मेरे सामने एक एरर आ गया था और मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी सेंड कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने उसके बाद क्या किया और आपको क्या करना होगा उसके बाद में जब आपको ईमेल आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाए। तो गाइज आप यहां पर आइएगा और आपको जो लॉगिन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप यहां पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो यूजर आईडी आपको मिली है मैसेज या ईमेल के माध्यम से वो आप यहां पर डालेंगे।
डालेंगे, जो पासवर्ड आपको दिया है उस यूजर आईडी के साथ में वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये सिक्योरिटी कोड डाल करके लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने जब लॉगिन किया फर्स्ट टाइम तो मुझे एक ऑप्शन मिला एक नेम का, आपको आपका नाम भी देखने को मिलेगा और फिर से आपको आपका नाम भी डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर है, वो डालेंगे। फिर आप वेरीफाई गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन फिर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका न्यू किस तरह का होना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन फिर आप नई इन्फॉर्मेशन के साथ में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपकी अपडेट पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट भी कर सकते हैं। कुछ जानकारी यहाँ पर है और कुछ जानकारी आप भर सकते हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, कास्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर सब कास्ट आपकी कौन सी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। रिलीजन आपका यहाँ पर आएगा, बिजनेस फादर ऑक्यूपेशन क्या है वो आप बताएंगे, प्राइवेट या फिर फार्मर बिजनेस जो भी है वो आप यहाँ पर बता देंगे। देन नीचे आपकी एड्रेस की जानकारी आएगी, आप अपनी ईमेल आईडी और नंबर वेरीफाई करेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, होम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, पिन कोड डालेंगे। फिर आप यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो इसके ऊपर क्लिक मत कीजिएगा और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। इसी की तरह से आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी अपनी दे सकते हैं और फिर सर्टिफिकेट डिटेल्स के ऊपर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। एंड फिर आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी गाइस जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉलरशिप पर अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपके सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो आपको जब आपके रजिस्ट्रेशन आपके जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई स्टार्ट होंगे तो उसके लिए आपको वीडियो बना करके दे दी जाएगी। अभी के लिए आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर आप आपका जो इमेज है वो भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पिक्सल कितना रखा है, साइज 50 के भी से कम, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और फिर सेव फोटो के ऊपर क्लिक करके आपकी जो फोटो है आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड देन फिर आप यहाँ पर गो टू होम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने पूरी जानकारी बता दी है, अभी आपका सिर्फ इसमें आपका ये डिटेल्स वेरीफाई होना बाकी है। जैसे ही वेरीफाई होगा तो आपको बताया जाएगा कि कंप्लीट फॉर्म कैसे होगा। सो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।